हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की। जितनी भी एन की के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं सेकंड यूनिट के अंदर, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे शो कर रखी हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे कैसे आएंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म प्रॉब्लम लिख रखी है आपके सामने। ए बॉडी ऑफ 5 kg सपोर्टेड ऑन द स्प्रिंग ऑफ स्टीपनेस 200 न्यूटन मीटर एंड हैज द डैशबोर्ड कनेक्टेड टू इट विच प्रोड्यूस अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 न्यूटन एट द वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर सेकेंड। इन वाट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वी रिड्यूस आफ्टर 5 इंटरवल। यहाँ पे जो एन के है उसमें सेकेंड लिखा हुआ था, पर यहाँ पे करेक्शन इसका क्या है, इंटरवल्स है, तो सेकेंड को आप करेक्ट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगा कि मेरे पास गिवन डेटा क्या क्या है, तो गिवन डेटा देख लेंगे क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। एम दिया है आपको 5 kg, उसके बाद आपको स्टिफनेस दैट्स अ के इज इक्वल 100 न्यूटन मीटर, उसके बाद आपको सी निकालने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स दिया है। रेजिस्टेंस फोर्स आपको जो दिया है वो दिया है आपको 0.02 न्यूटन, और उसी के साथ जो वेलोसिटी दी है वो दी है आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे मैं सी निकालूंगा यहाँ पे। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल सी दैट्स अ डैम्पिंग कोफिशियंट इनटू वेलोसिटी, दैट्स अ एक्स नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू वो है मेरी 0.002 न्यूटन, सी इंटू एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं इसको 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सी की जो वैल्यू निकल गया 0.02/10^-2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास, डिवाइडेड बाई 10^-2, यहाँ से निकल गया मेरी सी की वैल्यू 0.2 न्यूटन सेकेंड मीटर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जैसे ऐसे क्वेश्चन में मेरे को दिया है कि मुझे यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है, किसका मतलब कि कितने एम्पलीट्यूड से कम हो जाता है, मेरे को उसके लिए लॉग अर्थमिक मीन निकालना होगा। तो लॉग अर्थमिक मीन क्या होता है मेरा, कि डेल इज इक्वल 2π/√1-kg² और क्या होता है आपका, डेल इज इक्वल 1/(n ln x1)/(xn+1)। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी जीटा से। तो जीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, C/CC। तो C/CC क्या होता है मेरे, यहाँ पे C है मेरा डैम्पिंग कोफिशियंट और ये है यहाँ पे मेरा क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट कितना होगा मेरा, वो होगा 2m ωn। कितना होगा मेरा 2m ωn, कितना होगा 2m ωn। तो यहाँ पे जो ओमेगा एन की वैल्यू है वो है मेरी √K/m, कितनी √K/m। तो K क्या है मेरा यहाँ पे, स्टिफनेस है, और m क्या है मेरा यहाँ पे, मास है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा √K की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 200 न्यूटन, इसको मैं साइड में कर देता हूँ जैसे कि आपको ध्यान रहे। ओवर m की वैल्यू कितनी मेरी 5, तो कितना निकल गया है यहाँ पे देख लीजिए, 200/5, और उसमें भी अंडर रूट से निकाला मैंने, तो इसकी वैल्यू निकल गया है मेरी ओमेगा एन की 6.32 रेडियन पर सेकेंड। कितनी निकल गई मेरी ओमेगा एन की वैल्यू, 6.32 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एन की वैल्यू मैंने रख लिया है यहाँ पे, ओमेगा एन की वैल्यू से मुझे सीसी निकालना है, तो सीसी की वैल्यू कितनी निकलेगी, सीसी इज इक्वल 2m ωn। तो 2 × m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, प्लीज ध्यान से देखेंगे, 5, और इसकी वैल्यू कितनी मेरी 6.32। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आंसर है मेरे पास, तो आंसर मल्टीप्लाई 2 × 5 कितना है मेरे पास, सीसी की वैल्यू 63.24 सीसी की वैल्यू निकल गया यहाँ पे, दैट्स ऑल्सो न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे जीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, जीटा इज द डैम्पिंग कोफिशियंट, क्या है आपके यहाँ पे, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कोफिशियंट, इसकी वैल्यू C/CC। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 0.2/CC की वैल्यू 63.24। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0.2/आंसर, तो जो आपकी वैल्यू है जीटा की वो कितनी निकल गई मेरे पास, 3.16 × 10^-3, और ये मेरा यूनिट लेस होता है, क्या होता है मेरा, ये यूनिट लेस होता है। तो इसके बाद जब मेरे को जीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई, तो अब मैं इसके बाद आपका यहाँ पे क्या निकालूंगा, जो मेरा लॉगरिथमिक मीन है उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देख लीजिए, सो डेल इज इक्वल
टू पाई जीटा ओवर अंडर रूट वन माइनस के जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगी आपकी, टू इंटू पाए, टू इंटू पाई, और जीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें है नहीं, ओवर अंडर रूट वन माइनस के 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले मैं नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता, तो आंसर का स्क्वायर कर लिया और वन माइनस आंसर कर लिया, और उसके बाद इसका रूट निकाल लिया, तो कितना निकल गया है मेरे पास, 2 पाई 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओवर 0.9 टाइम्स टू 4, दैट्स अ 1 ऑल्सो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 0.4 टाइम्स 9, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल गई, 0.01985, दैट्स अ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसकी वैल्यू मेरे को जो इक्वेट करनी है, वो इक्वेट करनी है मेरे को, डेल इज इक्वल 1/n ln x1 ओवर xn प्लस 1, तो मुझे xn प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो 0.01985 इज इक्वल 1/5 ln x1 ओवर xn प्लस 1। तो यहाँ पे इसका मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आंसर मल्टीप्लाई 5, तो कितना निकल के आया मेरे पास, 0.09928 ln x1 ओवर xn प्लस 1। अब इसको क्या करूँ कि बोथ साइड में क्या कर दूँ, ln को हटाने के लिए e की पावर ले लूँ, तो एक्सपोनेंशियल इज 0.9928, दैट्स ऑल्सो x1 ओवर xn प्लस 1। यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये है आंसर लिखाया, तो वैल्यू निकल गया है मेरी 1.104, ये इसका रेशियो हो गया, दैट्स अ डिक्रीमेंट, ये मेरे से पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है, तो ये है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप देखिएगा दोबारा वापस रिवाइंड करके, आप सेकेंड प्रॉब्लम पर चल रहे थे, फटाफट से सेकेंड प्रॉब्लम पर आ जाइए। सेकेंड प्रॉब्लम दिए कि ए स्प्रिंग मास मास सिस्टम के वन एम वन हैज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी एफ वन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के टू अनदर स्प्रिंग विच हैव विच वैन कनेक्टेड के वन इन सीरीज डिक्रीज, डिक्रीज इज द फ्रिक्वेंसी बाई 20%। कहने का मतलब है कि पहले मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी, एक मेरे को सिस्टम दिया था जिसके ऊपर क्या था, के वन लगा हुआ था और एम वन लगा हुआ था, फिर उन्होंने बोला कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही मेरी एफ वन, फिर उन्होंने बोला कि एक और सिस्टम बनाया जिसके अंदर मेरी K2 लगी हुई थी और K1 उसके साथ सीरीज में थी, और उन्होंने बोला कि इस वाले सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी निकल रही थी, क्या निकल रही थी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी निकल रही थी F2, वो क्या थी कि 20% कम थी, मतलब कि F2 इज इक्वल, मैं बोलना चाहूँ कि अगर 20% कम हो रही है तो क्या होगा, 0.8 ऑफ द F1, समझ में आया यहाँ पे कि 20% कम हो रही है, इसकी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, उन्होंने पूछा कि K की वैल्यू बता दीजिए, तो सबसे पहले बात आएगी कि फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, कि F1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, और फिर उसके बाद सीरीज के लिए मैं बात करूंगा। तो अपन बात कर लेंगे कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ओमेगा n की वैल्यू कितनी आएगी, K1 बाई M1 कितनी आ जाएगी आपकी, K1 बाई M1 आ जाएगी, यहाँ पे निकल के सिंपल है। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको जैसे पता होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल 2π बाई ओमेगा और फ्रिक्वेंसी इज इक्वल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो इसका, कि इसकी वैल्यू जो होती है 2π बाई ओमेगा होती है और ये क्या होता है मेरा ओमेगा बाई 2π। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा तो क्या निकल जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, कि 1/2π इज ब्रैकेट के अंदर के वन बाई एम वन, ये वाली वैल्यू मेरी एफ वन की निकल के आ गई। इसके बाद क्या करना है मेरे को कि जो उन्होंने बोला कि अब सीरीज में जाएंगे तो के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू किसमें होती है, इसमें के वन इंटू के टू ओवर के वन प्लस के टू, तो फ्रिक्वेंसी टू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सेम इसी की तरह कि 1/2π के इक्विवेलेंट ओवर एम वन, ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्योंकि मास तो सेम ही है, मास सेम है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू लग जाएगी यहाँ पे, और F इसकी वैल्यू कितनी है, इसके बराबर जो मैंने बताया अभी कितनी है, 0.8F1 इज इक्वल 1/2π के इक्विवेलेंट ओवर M1, दैट्स द इक्वेशन नंबर, ये वन थी मेरी, इसको टू ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ कि दो के अंदर मैं वन का डिवाइड दे देता हूँ, तो क्या आएगा देखिए निकल के आपके सामने,
यहाँ निकल के आएगा 0.8 एफ वन ओवर एफ वन इज इक्वल 1 ओवर 2 पाई ब्रैकेट के अंदर के इक्वलेंट ओवर एम वन ओवर 1 ओवर 2 पाई ब्रैकेट के अंदर के वन ओवर एम वन। अब देखिए एफ वन से एफ वन कैंसिल आउट हुआ तो कितना है 0.8, 1 ओवर 2 पाई से 1 ओवर 2 पाई चला गया, यहाँ पे क्या बचा मेरा के इक्वलेंट ओवर एम वन और एम वन ओवर के वन, तो एम वन टू एम वन कैंसिल आउट हो गया, सॉरी थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल गई वो मेरी क्या निकल गई 0.8 इज इक्वल अंडर रूट के इक्वलेंट ओवर के वन। तो वैल्यू रख देते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल के इक्वलेंट के लिए कितनी के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी 1 ओवर के वन, तो के वन टू के वन कैंसिल आउट, तो 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल के टू ओवर के वन प्लस के टू। तो यहाँ से जो वैल्यू निकली देखिए 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64 इज इक्वल के टू ओवर के वन प्लस के टू। इन दोनों से यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा कि आपका रिलेशन कितना है, तो देख लीजिए 0.64 के वन प्लस के 0.64 के टू इज इक्वल के टू, सो 0.64 के वन इज इक्वल के टू माइनस के 0.64 के टू, तो दैट्स अ 1 माइनस के आंसर दैट्स अ 0.36, तो 0.64 के वन इज इक्वल 0.36 के टू, तो K1 over K2 is equal 0.36 divided by 0.64. रेशियो में देख लेते कितना निकल के आएगा 0.36 divided by 0.64 कितना 9/16, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली मेरी 9/16, तो ये मेरा आंसर है। यहाँ पे जो K1 और K2 का रिलेशन दिया था उसमें जो वैल्यू निकल के वो कितनी निकल गया मेरी 9/16, यही उन्होंने पूछा था। तो सेकंड वन प्रॉब्लम इज ओवर, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा अभी तक, तो आगे चलते हैं। एक सेकंड, ओके, थर्ड वन प्रॉब्लम, ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मास 4 kg मास 4 kg एंड रेडियस 12 cm इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग स्टिफनेस 600 Nm एज शो इन फिगर, इट इज द फ्री टू रोल। इसका जो डायग्राम है वो मैंने बनाया नहीं है, पर मैं बना देता हूं। ये आपके सेंटर पे है, सॉरी है ना, ये सेंटर पे आपके। तो क्या ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ मास 4 kg एंड रेडियस 12 cm कनेक्टेड बाय स्प्रिंग 6000 Nm एज शोन फिगर, इट इज फ्री टू रोल हॉरिजॉन्टली रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर से सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मेरा ओ पॉइंट मैंने ले लिया, इन्होंने बताया कि जो सिलेंडर है उसका मास 4 kg है और इसकी जो रेडियस दी है वो दी है इन्होंने 12 cm, यही चीज मेरे को सिर्फ चाहिए थी। इस केस में अपन क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है वो आपको याद रखनी है हर बार के लिए, कॉमन है वो, आई नॉट थीटा डबल नॉट प्लस के स्टिफनेस इंटू जो डिस्टेंस है आपकी जिस पॉइंट के अबाउट में मूवमेंट ले रहा हूँ डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल 0। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, और ये वाली बात आपको ध्यान रखनी हर एक प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे जो आई नॉट है वो है आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बात की कि सर्कुलर सिलेंडर, तो सर्कुलर जो सिलेंडर है उसका सेंटर के अबाउट जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी एम आर स्क्वायर बाई 2, कितनी होती है mr square by 2, पर मुझे मूवमेंट कहां पे निकालना है इसका, इस o पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे ही वो स्लाइड कर रहा होगा। तो i नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी ig plus k, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, m into डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है उसकी रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर। तो बात कर लेते हैं कि ig की वैल्यू कितनी है मेरे पास, mr square by 2 plus k m, और रेडियस तो रेडियस है तो आपकी r का स्क्वायर, तो यहां से कितनी वैल्यू निकल गई आपकी 3/2 एम आर स्क्वायर, कितनी निकल गया आपकी वैल्यू 3/2 एम आर स्क्वायर आई नॉट की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 3/2 एम आर स्क्वायर थीटा डबल नॉट प्लस के इंटू, इसकी डिस्टेंस कितनी है ऐसे लेके यहाँ तक, आर का स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा डबल नॉट की वैल्यू कितनी निकली
के आर का स्क्वायर 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0। तो आर टू आर कैंसिल आउट, तो कितना निकला थीटा डबल नॉट प्लस के 2k बाई 3m थीटा इज इक्वल 0। तो और ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। तो मैंने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 2k बाई 3m, देन ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट 2k बाई 3m। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू के की वैल्यू 6000 ओवर 3 इंटू 4, तो कितनी वैल्यू निकलेगी यहाँ देख लेते हैं। 2 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 12 अंडर रूट ऑफ आंसर, तो कितना निकला 31.62 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, पर आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर जो मेरी वैल्यूज़ हैं कि डिस्क के लिए क्या होती है, रिम के लिए यहाँ पे एम आर स्क्वायर हो जाएगी, स्पेयर होगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगी, अगर रॉड होती तो रॉड के लिए जैसे पेंडुलम के लिए आपने यूज़ किया होगा उसके लिए सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो होती है एम एल स्क्वायर बाई 12 होती है, एंड पे होती है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इसी के ऊपर अपन का न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, ए वाइब्रेटरी सिस्टम इज डिफाइंड बाई फॉलोइंग पैरामीटर्स, एम दिया है, के दिया है और सी दिया है। पहले पूछा है डैम्पिंग फैक्टर इट मींस जीटा, फिर पूछा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ डैम्पिंग मतलब ओमेगा डी, फिर उन्होंने पूछा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब डेल्टा पूछा है, फिर नंबर ऑफ द साइकिल आफ्टर द विच ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस 20%, मतलब पहले से कितना कम हो जाए 20%, मतलब कितना रह जाए आपका 80%। तो चलिए देख लेते हैं, एम दिया है, के दिया है, सी दिया है, जीटा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, जीटा इज इक्वल सी ओवर सी सी, और CC की वैल्यू कितनी होती है मेरी 2m ओमेगा n, और ओमेगा n की वैल्यू कितनी निकल के आती है मेरी अंडर रूट के बाई m। तो अंडर रूट के बाई m की बात करते तो k की वैल्यू मेरे पास 1000, m की वैल्यू कितनी मेरी 3, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी देख लेते हैं फटाफट से, कि 1000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज अ 3, अब इसका भी क्यों निकालना रूट, तो कितना है मेरे पास 1825 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या निकला मेरे पास ओमेगा n निकला, तो CC की वैल्यू कितनी निकल गई, CC इज इक्वल 2m, m की वैल्यू 3 इंटू 18.25, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 6, समझ गए होगे 6 क्यों किया, 109.54 न्यूटन सेकंड पर मीटर। यहाँ से मैंने CC की वैल्यू निकाल ली, तो जीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास C ओवर CC, तो मतलब 3 ओवर 109.54, कैसे निकाल लेते 3 ओवर आंसर इज इक्वल टू द 0.027, तो यहाँ से जीटा की भी वैल्यू निकल के आ गई। इसको जीटा की वैल्यू निकल के आ गई तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे, डैम्पिंग फैक्टर तो आ गया मेरा पहला, तो पहला आंसर हो गया। उसके बाद पूछिए उन्होंने फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा डी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस के जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी 18.25 अंडर रूट 1 माइनस ऑफ 0.027 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू लिखी है तो मैं इसका स्क्वायर कर लूँ और इसको 1 माइनस में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ और उसका फिर मैं रूट निकाल लूँ और मल्टीप्लाई 18.25 कर लूँ, तो मेरे पास ओमेगा डी निकल के आएगा, ओमेगा डी निकल के आया 18.243, तो 18.243 एक और आंसर निकल के आ गया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कितना होगा, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल इज इक्वल 2π जीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस के जीटा स्क्वायर, तो 2π जीटा की वैल्यू कितनी 0.027 ब्रैकेट के अंदर ओवर 1 माइनस के 0.027 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.027 का स्क्वायर 1 माइनस आंसर अंडर रूट, तो नीचे की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास, ऊपर वाली तो 2π जीटा है ही एज इट इज, नीचे निकल गया 0.9996। तो अब देख लेते ऊपर वाली वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू 0.027 डिवाइडेड बाई 996 कितना निकला 0.170। यहाँ से मेरा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू निकल के आ गई, एक और आंसर निकल के आ गया। अब उन्होंने पूछा था कि इसमें साइकिल में कितने एम्पलीट्यूड नंबर ऑफ साइकिल कितनी मतलब एन की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल 1 ओवर एन x1 ओवर xn प्लस 1।
तो यहाँ पर डेल की वैल्यू मेरे को दी है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि 0.170 इज इक्वल 1/n फाइंड आउट करना है। x1 की वैल्यू x1 है, उसने बोला कि x1 से 20% कम हो जाता है, मतलब अगर मैंने बोला कि पहला है आपका 1, अब 20% कम होगा तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, उसका x1 by 5, मतलब 5, 20% का मतलब 100, अगर मैं बोलूँ कि आपका 20% निकालना तो 20 / 100 मीन्स 1/5, तो मैंने क्या कहते हैं उसका x1 का 5% निकाल दिया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे ln था और यहाँ पे भी ln था, तो x1 टू x1 कैंसिल आउट, तो ln की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, ln 5, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई, मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/n × 1.6094। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू डिवाइड दे देता हूँ मैं 1.70 / 1.10 / 1.6094, कितनी वैल्यू निकली मेरी, मैंने उल्टा कर दिया 1.6094 / 0.170, तो कितना आया मेरे पास, n इज इक्वल 9.46। लकी इतने अप्रोक्स आपके वो इस तरीके से जो आपका एम्पलीट्यूड निकल के आता है कि फर्स्ट से यूं करके ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते 9.46 पर जाएगा, तो जब जाएगा उसके उसकी ओन वैल्यू से 20% रह जाएगा, उसका क्या रह जाएगा, उसकी ओन वैल्यू से 20% रह जाएगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर अच्छी लग रही हो अभी तक, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आगे नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ए शाफ्ट सपोर्टेड फ्री एट द एंड हैज़ अ फ्री एट द एंड, मतलब एंड पे आपका मास लगा हुआ है ऑफ 100 kg प्लेस 25 cm फ्रॉम द एंड, मतलब कि शाफ्ट है आपकी, आपकी शाफ्ट मैंने बना दी यहाँ पे, देखिए मैंने आपकी शाफ्ट बना दी और ये मैंने फ्री एंड से अटैच कर दी, और उन्होंने कहा एक एंड से आपकी 25 cm पे लगी हुई है, और ये कितना मास है इसका, 100 kg मास लगा दिया, और ये आपकी यहाँ से 25 cm पे मैंने लगा दी, ठीक है, ये 25 cm हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला है कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नेचुरल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 75 cm 100 GNm/m². तो इसके लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन डेल इज इक्वल, ये मैंने ए मान ली, ये मैंने बी मान ली, पूरी एल दी, तो डब्ल्यू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर 3EIL, ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कैंटिलीवर बीम के अगर एंड पे अगर कोई चीज़ लग रही है तो उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL³/3EI, अगर मैं बोलूँ उस पर UDL लग रहा है तो उसका कितना हो जाएगा आपका WL³/4/ATI, अगर मैं बोलता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर मिड में पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा WL³/40ATI, अगर सिंपली सपोर्टेड पे आपका UDL लग रहा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन निकलेगा वो निकलेगा 5/384 WL³/4EI। इसी तरीके से कुछ इसी फॉर्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो W की वैल्यू कितनी है आपको, 100 × 9.81, समझ गए होगे कि मास दिया था मैंने उसको वेट में चेंज कर लिया। इधर से कितनी वैल्यू बचेगी आपकी 50 cm, तो 50 × 10⁻²² कर लिया। इधर से कितनी बच रही है आपकी, 25 × 10⁻²² कर लिया, और उसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है ओवर 3 × 200 GPa, 200 × 10⁹ N·m² हो गया। आई की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मेरे को डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर को 4 cm दिया है, और आई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, π/64 D⁴, तो 4 × 10⁻²⁴ L, L कितनी मेरे को 75 × 10⁻²। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ एक एक वैल्यू, जैसे कि आपने दिख रहा होगा कि 100 × 9.81 सिंपल लिख लिया, आप देख लीजिए 50 × 10⁻²² का स्क्वायर कितना आएगा आपको निकल के 0.25, फिर आपके बाद देखिए 25 × 10⁻², और उसका भी स्क्वायर, तो कितना निकलेगा आपका 0.0625/3 × 200 × 10⁻⁹ π/64, और यहाँ पे मेरा
फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू की भी पावर फोर कितना निकला 2.56 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू 75 इंटू टेन टू पावर माइनस टू। अब ऊपर वालों को सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, कितना निकलेगा 100 इंटू 9.81 इंटू 0.25 इंटू 0.0625 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 200 इंटू टेन टू पावर 9 इंटू पाई इंटू 2.56 इंटू टेन टू पावर माइनस 6 इंटू 75 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 कितना निकला, डेल इज इक्वल 2.71 इंटू टेन टू पावर माइनस 4 मीटर। इसके बाद फ्रिक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला, कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल 0.4985 ओवर अंडर रूट डिफ्लेक्शन, तो 0.4985 ओवर अंडर रूट दिस आंसर। तो इस आंसर का अंडर रूट निकाल लेते फटाफट से, और 0.4985 डिवाइडेड बाय आंसर कर देते तो कितना है मेरे पास 13.27 साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, दिस इज आंसर। देख लीजिए कितनी सिंपल प्रॉब्लम थी, और इतनी टफ लग रही होगी आपको, टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने अभी इसको बंद कर रहा हूँ, इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सॉरी फॉर लेट कर दिया कि थोड़ा सा टाइम का इशूज़ था, तो प्लीज़ मैनेज इट। थैंक यू भाई।